गोरखपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को बीआरडी के एक डॉक्टर, एक और स्टाफ नर्स सहित 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें बांस गांव के एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा शहर के सूरजकुंड का रहने वाला 8 साल का एक मासूम भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद से जिले में मरीजों की संख्या 163 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें 91 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 8 की मौत हुई है और 64 का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग का 36 वर्षीय डॉक्टर और एक 36 वर्षीय स्टाफ नर्स का नमूना शुक्रवार को लिया गया था। शनिवार को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पूर्व 8 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी शामिल है। वहीं बताया जा रहा है कि इन्हीं के संपर्क में आने से डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, जबकि यह दूसरी स्टाफ नर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिली है। वहीं शहर के तिवारीपुर के सूरजकुंड का रहने वाला 8 वर्षीय मासूम भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा बांस गांव के एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें भाई बहन हैं। इनकी उम्र 6 वर्ष, 10 वर्ष, 38 वर्ष, 32 वर्ष और 36 वर्ष है। वहीं पिपराइज के नई पार्क खुर्द का 27 वर्षीय और 38 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही इनके अलावा हरपुर बुधहट का 13 साल का बालक और खोराबार के छितौनी का 34 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक 16 मई को मुंबई से लौटा था। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले लोगों के संपर्क में आने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। इनके गांव को सील कराते हुए सैनिटाइज कराया जाएगा। आपको बता दें, 12 लोगों में से 11 की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इनमें 4 की उम्र 15 साल से कम है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी यह मान रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं। विभाग ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया है। बताया जाता है कि हरपुर बुधहट और बढ़ईपुरवा में पहले भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनके संपर्क में आने से ये लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं शहर के मियां बाजार के हट्टी माई स्थान के पास किराए के मकान में रहने वाला 42 साल का सिपाही बहराइच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि 5 जून को वह गोरखपुर से ड्यूटी पर चला गया था। इस बीच उसकी जांच हुई तो वह कोरोना पॉजिटिव मिला। इसकी जानकारी बहराइच पुलिस ने गोरखपुर पुलिस को दी। इसके बाद से पूरे मोहल्ले को सील करते हुए नगर निगम की तरफ से सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही उसके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि सीएमओ ने इसकी पुष्टि नहीं की है और ना ही वह गोरखपुर में इस केस को जोड़ा गया है। वहीं एहतियात के तौर पर मोहल्ले को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सील करा दिया गया है।